व्हाट इज़ अप एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपनी एस क्रॉस के बारे में। इट इज़ 1.6 और ये हमने सेकेंड हैंड ली थी और उस टाइम पे अराउंड 75,000 to 70,000 चली थी आई गेस, इतना मेरे को याद नहीं है ना। अभी ये जा चुकी है 1,21,000 के आसपास एंड द करंट फ्यूल इकॉनमी दैट इट इज़ गिविंग मी ऑन दीज रोसिटी रोड्स ये है 13.5 km/h। अराउंड इतना ही देती है, इसका कभी ऊपर भी देती है कभी नीचे भी देती है, और हाईवे पे अराउंड 20 का दे देती है, आराम से 20-22 का दे देती है। सो, आज हम जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि भाई साहब ये गाड़ी एक्चुअल में चली क्यों नहीं इंडियन मार्केट में। इसके ऊपर और भी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं बट आई गेस मेरे पास ये गाड़ी पिछले 2-3 साल से है एंड मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर खुद ड्राइव किया है, तो मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ अच्छे से कि भाई एक्चुअल में ये गाड़ी चलनी चाहिए थी, बहुत अच्छी चलनी चाहिए थी। मैं इसको हिमाचल लेके गया हूँ, मैं इसको पता नहीं मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किया ऑलमोस्ट इस गाड़ी के साथ मैंने, तो ये गाड़ी चली नहीं उतना। तो मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है, मेरे हिसाब से क्या मतलब वो है रीज़न, इसका प्राइस एक्चुअली में। तो भाई इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम पे शुरू होता था 11 लाख से, 2014 में आएगा सही है, 14 की 15 में, ये 2016 मॉडल है और 2017 में डिसकंटिन्यू हो गई थी ये गाड़ी। तो इसका मैं आपको वॉक अराउंड भी कराऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा इस गाड़ी की, एंड मेन मुद्दा ये भी है कि ऐसी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में चलती क्यों नहीं है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, क्रॉसओवर है, मैं इसको मतलब एज एन एसयूवी भी यूज़ करता हूँ, मतलब ये जाती है हर जगह जाती है, इसने मेरा बहुत साथ दिया इस गाड़ी ने। तो आगे बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या बातें निकल के आती हैं आगे। सो कंटिन्यू विद द वीडियो, पीस। हम आ चुके हैं एक सेफ लोकेशन पे जहाँ पर मेरे को कोई रिकॉर्डिंग करते हुए देखेगा नहीं, तो देख भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो अब हम बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन जो है वो 1.6 है, 1600 cc का इंजन है, तो वो जो पावर है वो अराउंड 118 के आसपास प्रोड्यूस करता है। एंड इसका जो टॉर्क है भाई, इसका टॉर्क एक नंबर है, टॉर्क में तो कोई जवाब ही नहीं है इस गाड़ी का। मेरे पास एक होंडा सिटी भी है बट वो गाड़ी का टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है, बट अब चलो उन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, गाड़ी टू गाड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एरोडायनामिकली भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है गाड़ियों का। तो इस गाड़ी का जो टॉर्क है भाई, दैट इज़ 320 न्यूटन मीटर्स। तो एक्चुअल में आप देखा जाओ तो मतलब पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का भाई एक नंबर छूटती है गाड़ी, एक नंबर जाती है। इसका जो 0 to 100 टाइमिंग है वो मैंने खुद टेस्ट किया है, मतलब मेरा तो 11 सेकंड आया बट आई गेस इसका 10 सेकंड के आसपास आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इसकी सर्विस वगैरह कुछ नहीं हुई थी। तो गिवन दैट इट्स अ क्रॉस ओवर, उस बात को ध्यान में रखते हुए, इसका वेट हर चीज़ ध्यान में रखते हुए, ये गाड़ी 10 सेकंड के अंदर 0 to 100 क्रॉस कर रही है भाई, ये परफॉर्मेंस कार ही है। इसको आप अगर स्टेज 1 भी आप कर दोगे ना इसका, ये आराम से इसका जो टॉर्क होगा वो दैट वुड बी बियॉन्ड 350 आई गेस, एंड पावर इसका सीधा 140 पे पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं अब कि भाई साहब ये गाड़ी चली क्यों नहीं। द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वॉज ऑब्वियसली द प्राइजिंग इट सेल्फ। मारुति ने उस टाइम पे इस गाड़ी को प्राइस किया था 11 लाख से शुरू होती थी और ऑन रोड 12 की पड़ती थी, बेस वेरिएंट जो आता था। एंड दिस कार आई बॉट, ये तो सेकेंड हैंड मैंने लिया बट ये उस टाइम पे जो इसका करंट जो प्राइसिंग है उस टाइम का ऑन रोड प्राइस ये था 15.5 लाख। ये सेकेंड टॉप मॉडल है एंड जो टॉप मॉडल था इसका वो तो आई गेस सीधा सीधा जाता होगा 16-17 लाख, 16-16.5 लाख का जाता होगा आई गेस। तो उस टाइम पे 2014-15 की बात है, उस टाइम पे इस प्राइसिंग के साथ इन्होंने गाड़ी ये लॉन्च की थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई था इंडियन मार्केट के हिसाब से। एंड मारुति का जो इमेज है दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट मेंट फॉर दैट। मारुति का इमेज कैसा है भाई, आपको सबको पता है, सस्ती गाड़ियाँ, हाई माइलेज, लो परफॉर्मेंस, अभी भी वैसी ही गाड़ियाँ अभी कुछ। तो एक्चुअल में जो उन्होंने अच्छी गाड़ी निकाली इस टाइम पे दैट वॉज जिमनी, एंड जिमनी को लोग थार से कंपेयर कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है कंपेयर करो भाई, बट तुमको एक्चुअली में नहीं पता जिमनी इज मच मोर केपेबल ऑफ रोडर देन थार। द मेन प्रॉब्लम इंडिया के लोगों की मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई इनको चाहिए बड़ी, हमें एक्चुअली में बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, तो थार का मेन सेलिंग पॉइंट ही हुआ है, तभी जिमनी के साथ मतलब जिमनी एक्चुअली बच्ची लगती है, इस गाड़ी से भी जिमनी का जो स्टांस है बहुत छोटा लगता है। तो अब उस बात पर बात नहीं करेंगे, तो मेन बात यही है भाई कि प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू था। तो प्राइसिंग का अगर कम तो हो नहीं सकता था ऑब्वियसली, एक CVO यूनिट था। अब इसका जो इंजन आता है, जो इसका गेयर बॉक्स है, दैट इज़ कम्प्लीटली बिल्ड अप यूनिट, बाहर से लाते थे मारुति वाले और इंडिया में आके असेंबल होता था। अब आई डोंट नो कि पूरी गाड़ी CVO नहीं है आई गेस, बट मेरे को जितना मैंने देखा है इसका और नॉर्मल एस क्रॉस में डिफरेंस तो है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका नॉइस आइसोलेशन लेवल कितना सही है। अब देखो आप, मैं एकदम शांत रहूंगा और आप बाहर का देखना, और मैं जब शीशा खोलूंगा, जब शीशा में डाउन करूंगा, तो उस टाइम पे आप नोटिस करना बाहर की आवाज़ कितनी ज़्यादा है। अभी आएगा इंजन की आवाज़ उतनी नहीं आ रही होगी।
सो लेट्स जस्ट स्टे क्वाइट फॉर 2 seconds. या एंड नाउ मैं शीशा डाउन कर रहा हूँ. Now again up. I guess you got my point. तो भाई ये था इसका सिस्टम कि एक्चुअल में मारुति फेल क्यों हुई. अब इन्होंने एक और गाड़ी लॉन्च की थी कजाशी के नाम से, 2014-15 के आसपास ही लॉन्च हुई थी वो गाड़ी. या सो कजाशी दैट वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 2015-2016. मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगा कब लॉन्च हुई थी. एंड वो भी आई गेस एक साल के आसपास चली. तो उस गाड़ी का भी फेल होने का एक ही मतलब वो था कि भाई एक्चुअल में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आई था उस टाइम पे. उन्होंने कजाशी निकाली थी 19 लाख की, 20 लाख की. तो मारुति को हम समझते हैं फैमिली कार है, माइलेज अच्छा देगी, सस्ती होगी. तो अब उस ब्रांड नेम के साथ आप अगर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो दैट इज़ बाउंड टू फेल, राइट. वो द मेन रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ दिस कार एंड कजाशी वॉज द प्राइसिंग. बट आप अगर देखोगे ओवरऑल, आप देखो ये देखो गाड़ी ऑन है. आप नॉर्मली कोई भी उस टाइम की गाड़ी ले लो, 2016 मॉडल है, अगर डीजल मॉडल होता तो भाई ये अभी ना ऐसे ऐसे हो रहा होता, हिल रहा होता बहुत गंदे वाला. बट ये कम्प्लीटली स्टिल है. तो यहाँ पे भाई बिल्ड क्वालिटी का, पार्ट्स का पता चलता है भाई बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें और नॉर्मल एसक्रॉस में. जब लोग लेक्चर में बोलते हैं ना भाई क्या एसक्रॉस ही तो है, मैं बोलूँगा साले एक बार देख इंजन खोल के देख, तुझे पता चलेगा ये नॉर्मल एसक्रॉस नहीं है. ये एक्चुअली में बहुत अच्छी गाड़ी थी और खुद दिल से बुरा लगता है कि इतनी अच्छी गाड़ी फेल होगी इंडियन मार्केट में. तो बात यही है. अब आप बिल्ड क्वालिटी मेरे से पूछोगे, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बहुत अच्छी है. मतलब हर चीज़ एक नंबर है, गेयर बॉक्स से लेके एसी, एसी के मैं क्या बोलूँ भाई साहब. ये आई गेस हर मारुति गाड़ी का बहुत सही होता है. बाहर अगर 40 डिग्री भी होगा ना भाई साहब, ये गाड़ी अंदर चिल कर देती है पूरा. बहुत प्यारा एसी है इस गाड़ी का. एंड इसमें पीछे डक्ट्स नहीं है जो, बट उसकी एक्चुअली में ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअली में इतनी अच्छी कूलिंग कर देती है. एंड ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है और उसके बाद भी इंजन टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है. हल्का फुल्का कभी प्रॉब्लम आ जाता है बट वो तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ चलेगी तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी. अब मैं आपको अब इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ, इंजन दिखा देता हूँ एक बार आपको इसका कि कैसा है. इंजन तो वैसे सेम ही होते हैं बट दिखा देता हूँ एक बार. एंड ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी का भी आपको दिखा दूंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई साहब ये गाड़ी में कुछ डिफरेंट तो है नॉर्मल एसक्रॉस से. ये देखो अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको. आवाज़ सुनी पीछे की, इको स्पॉट आ रही है. ये भी अच्छी गाड़ी थी, फोर्ड तो पूरा ही बंद हो गया. ये देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये ओपन दिस क्लोज. अब एक और चीज़ आप देखो, नाइस आइसोलेशन देखना आप लोग. ये देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है. और ये चीज़ काम आती है एक्चुअल में सर्दियों में. ये गाड़ी मैं लेके गया हूँ क्या जगह का नाम क्या था, जिस्पा. तो जिस्पा में अराउंड उस टाइम पे था 1-2 डिग्री के आसपास रहा होगा और ये गाड़ी हमने बंद रखी थी, खाली हीटर ऑन था और ऐसा गर्म हुआ है गाड़ी, ऐसी गर्म हुई है. और हीटर बंद भी अगर कर दो, लिटरली बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर था. बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ये चीज़ का डिफरेंस तब पता चलेगा जब आप किसी ठंडी जगह पे या किसी गर्म जगह पे जाओगे. तो भाई अब हम आ गए बाहर प्यारी एसक्रॉस के साथ. DDIS लिखा हुआ है. एक सेकंड इंजन खोलना भूल गया मैं. IS का एंटीना बंदरों ने खा लिया था. ये बंदर भी साले कमीने. सॉरी थोड़ी सी गाड़ी गंदी है. ये देखो भाई हमारा 1.6. ब्यूटी. और लिटरली भाई इसका ये वजन जो है ना, ये मेरे को लगता है कम से कम 20 किलो का तो होगा आराम से. इतना सोफा दिस क्लोज, बॉनेट क्लोज. अब ये देखो एक और चीज दिखाता हूँ. क्वालिटी देख रहे हो. अब ये साइड का दिखाता हूँ भाई, मेटल है, मेटल प्रॉपर मेटल है. ये पीछे का भी दिखा देता हूँ. अब नॉर्मल आप कोई भी गाड़ी लो मारुति की तो उसके साथ ये करना,
आपको पता चलेगा भाई साहब इनकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर कैसे है। तो इसका एक आपको मैं सिनेमैटिक व्यू भी दिखा दूंगा, वो कैसा होता है बाद में बताते हैं। सो आई गेस आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में गाड़ी फेल क्यों हुई। बार बार एक ही चीज़ पर एम्फसाइज करूंगा कि भाई प्राइसिंग वॉज नॉट राइट और इंडिया के लोग इसको समझ नहीं पाए इस गाड़ी को, एंड द कजाशी ऑफ कोर्स। नहीं तो कजाशी आप ले लो इस पॉइंट पे भी, अगर आप लेते हो एक सेकेंड हैंड कजाशी अराउंड 7 या 8 लाख के आसपास अगर मिल जाए आपको, स्टेलर डील है। ऑब्वियसली इंजन चेक कर लेना उसका, एंड दिस कार टू, अगर ये गाड़ी भी आपको इस टाइम पे मिल जाती है अगर 70 से 80 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो भाई आँख बंद करके ले लो। बस मेक श्योर कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इंजेक्टर्स वगैरह हर चीज़ आप चेक कर लो ध्यान से, किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाओ, उसको चेक कराओ प्रॉपर गाड़ी को, एंड देन ओनली बाय इट। आप अगर ऐसे ले लोगे तो आगे आपको ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये चीज़ का हमें भी फेस करना पड़ा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गाड़ी हमने अराउंड 5 लाख की ली थी और इस गाड़ी के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये लगाया था। बट वो 1.5 लाख जो हमने लगाया था वो एक्चुअली में वर्थ इट था पूरी गाड़ी के लिए जो हमने अभी तक इसके साथ टाइम बिताया है। एंड और अगर कुछ भूल गया होगा मैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लेना। तो एंड ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं तो आपको बता चुका हूँ, बेस्ट मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। ये गाड़ी एक छोटी मोटी SUV है मेरी, इस गाड़ी ने मेरे को कहाँ कहाँ पहुँचाया है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बीच बीच में हुआ था, बट ये गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया मेरे को, मैं सीधा बोलता हूँ ये चीज़। एंड इसका जो बैक, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका बैक सीट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, क्योंकि वो एकदम मतलब ऐसे इरिक्ट है पीछे से। तो कम्फर्ट वाइज अगर आप देख रहे हो, ये गाड़ी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में आपको मिलती है तो कम्फर्ट वाइज बैक सीट इज़ नॉट गुड, बहुत ज़्यादा इरिक्ट है, और अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रंट इज़ गुड, पैसेंजर इज़ गुड, नॉट गुड बट ओके आई गेस। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट कम्फर्ट ऑफ एन सेडान इन दिस काइंड ऑफ कार्स, क्रॉस ओवर्स। तो भाई सॉरी कंपनी वाले भाई, ऑन दैट नोट प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ले रहे हो इंजन चेक करो, हर चीज़ चेक करो, उसके बाद ही लो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ दोबारा बोलूँगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है इस गाड़ी से रिलेटेड, S-Cross 1.6 से रिलेटेड, प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, कोई भी कमेंट हो। सो पीस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।